समाजसेवी स्वर्गीय श्री लखनलाल नागवंशी की पुण्य स्मृति में निशान काव्य महोत्सव 2022 का शनिवार 2 अप्रैल मेला ग्राउंड निशान जानो जी छिंदवाड़ा में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के पावन उद्देश्य से वाचक परंपरा के नव हस्ताक्षर कवियों का 2 सत्रों में 15 घंटे से अधिक का काव्य पाठ हुआ। प्रथम सत्र दिन में संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्र ख्याति प्राप्त कवियों द्वारा संचालित कार्यक्रम में लगभग 40 मंचीय कवियों का पाठ हुआ। प्रथम सत्र 4 चरणों में हुआ एवं रात्रि 8 बजे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। काव्य महोत्सव के आयोजन प्रसिद्ध समाज सेवी हरि प्रसाद नागवंशी, हास्य कवि भुवन सिंह धांसू, राज्य मंत्री दुर्जा गुरु चरण खरे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, चोरे विधायक सुजीत सिंह चौधरी, कवि राजगीर भारती मुरैना, शायर राजकुमार राज बेतुल, गीतकार भैयालाल नागवंशी जांजगीर, हास्य कवि देवी जैन टनाटन बरेली, कवि बलराम बेलवंशी, सोनभद्र गीतकार अमित मौलिक, जबलपुर शायर तबस्सुम अश्क, उज्जैन कवयित्री सुनीता पटेल भोपाल, गीतकार नितेश भोपाल, हास्य कवि भुवन सिंह धांसू छिंदवाड़ा जैसे राष्ट्र ख्याति प्राप्त कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। संवाददाता नितिन जायसवाल छिंदवाड़ा से। जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निशान की पावन धरा पर। जैसा कि ये आयोजन देख रहे हैं आप, ये हमारे बाबूजी पूज्य श्री लखनलाल जी नागवंशी की पुण्य स्मृति में संयोजित किया गया है और मातृभाषा उन्नयन संस्थान के तत्वाधान में एवं हमारे आयोजक मंडल के सहयोग से ये आज कम से कम 15 घंटे का काव्य पाठ चला, जिसमें नवोदित प्रतिस्थापित उदित सभी कवियों ने काव्य पाठ किया। अभी रात्रि को 8 बजे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होना है, जहां गुजरात महाराष्ट्र उड़ीसा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इत्यादि प्रांतों से कविगण हमारे आए हैं। उत्तर प्रदेश के भी कवि हैं सोनभद्र जिले से। तो हमारा जो मूल ध्येय है, हिंदी भाषा को राष्ट्र स्तर पर जन जन तक, गांव गांव तक कैसी पहुंचे, कैसे इसका उत्थान हो सके और साथ ही नवोदित कवियों का हम कैसे आगे ला सकें और कैसे हम उनको एक राष्ट्रीय मंच पर हम उनको स्थान दे सकें। बस यही नहीं, देश की पूर्ति के लिए आज हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और ये 5वां वर्ष। नमस्कार। श्री बरेण्य लाखन सिंह जी नागवंशी जी की स्मृति में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि नागवंशी और भुवन सिंह दासी जी ने मिलकर मातृभाषा उन्नयन संस्थान के सहभाग से विशाल निशान काव्य महोत्सव को धरती पर निशान जाने की धरती पर उतारा, जिसमें देश भर से विभिन्न प्रांतों से महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा गुजरात और अन्य विभिन्न प्रांतों से कवियों ने अपनी सहभागिता की और काव्य पाठ किया। शाम में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें देश भर के कवि अपना काव्य पाठ करेंगे और हिंदी कविता इस समय गाँव में है, गाँव गाँव में हिंदी कविता का की गूंज है। एक अद्भुत प्रयास रहा, इसे जनता ने स्वीकार किया, निशान की जनता ने खूब स्नेह दिया, खूब प्यार दिया। यही लगातार प्रयास जारी है, विगत कई वर्षों से भुवन भैया इस पिताजी की स्मृति में कार्य कर रहे हैं और इस समय निशान में हैं हम लोग और ये काव्य महोत्सव यहाँ पर आयोजित हो रहा है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अर्पण जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष मातृभाषा उन्नयन संस्था।